आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज पर जो है इस गांव में अगर किसी बर्तन में हम पानी रख देते वो बर्तन भी पीला हो जाता, इतना दूषित पानी था। हमारे गांव के व्यक्ति बीमार हो जाते थे और बहुत सी बीमारियां फैल जाती थी। पर जो है इस गांव में अगर किसी बर्तन में हम पानी रख देते वो बर्तन भी पीला हो जाता, इतना दूषित पानी था। और यहाँ पर ये टंकी का निर्माण हुआ, उसके बाद में जो है कमिश्नर साहब और जो हमारे ग्राम प्रधान जी हैं उन्होंने कोशिश करके ये आरओ प्लांट लगवाया, इसकी वजह से जो है साफ स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा। धन्यवाद इन सब का, बार बार धन्यवाद। और पूरे गाँव पर एहसान, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गाँव में जितने भी देश के गांव हैं सब में ये एरो प्लांट लगे। यहाँ पर मतलब पहले गंदा बहुत पानी आता था और यहाँ पर सरकारी पंप भी लग गया था, उसके बाद मतलब एरो का निर्माण हुआ यहाँ और उसके बाद में पानी बिल्कुल सही आ रहा। उससे पहला पानी बहुत गंदा आता था, इससे बहुत हर किस्म की बीमारी फैल रही थी। और साहब मैं तो प्रधान जी का और कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये कार्य किया। मेरा नाम सोनिया है, मैं गांव नैंड सोप की प्रधान हूँ। हमारे यहाँ गांव में पहले बहुत सालों से पानी की बहुत समस्या थी, यहाँ का पानी खारा और पीला हो जाता था जिससे हमारे गांव के व्यक्ति बीमार हो जाते थे और बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती थी। इस वजह से अभी हमने फिर इस समस्या को कमिश्नर साहब को बताया, उन्होंने फिर हमारे गाँव में ये आर ओ लगवाया जिससे अब गांव का पानी बहुत अच्छा आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है, अब पीला भी नहीं होता और अब बीमारियां भी नहीं इतनी बीमारियां भी नहीं हो रही है और साफ सुथरा पानी आ रहा है, सब अच्छे से रह रहे हैं, सब पानी पी रहे हैं। और मैं इसके लिए कमिश्नर साहब को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे गाँव में ये आर ओ लगवाया और यहाँ की जो गंदगी थी पानी की वो साफ करवाई, इससे सब खुश है और सब गांव में अच्छे से रह रहे हैं, इसलिए मैं सब उनका धन्यवाद करती हूं बहुत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय मंडलायुक्त महोदय का ये विज़न था कि हमारे कुछ ऐसे गांव जो हिंडन या अन्य ऐसी नदियों के किनारे हैं जिनका पानी गंदा है और उनके आसपास बसे गांव में यदि किसी कारण से पानी भी उसकी पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वैसे किसी गांव में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आर ओ प्लांट लगाया जाए और उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि उससे क्या लोगों की सेहत पे इम्पैक्ट आता है। तो मंडलायुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में और मंडलायुक्त महोदय की प्रेरणा से जो नागल ब्लॉक की नैनसोप गांव पंचायत है उसमें हम लोगों ने CSR से एक आर ओ प्लांट इस्टेब्लिश कराया है। वो आर ओ प्लांट पूरे गाँव की नीड को कैटर करेगा और उस आर ओ प्लांट के माध्यम से पूरे गांव के लोग उसका पानी पिएंगे और निश्चय ही जब वो आर ओ वाटर पिएंगे तो जो बीमारियां हैं, जो पानी जनित रोग हैं वो उनको नहीं होंगे, उनके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। इसी सोच के साथ इस प्लांट का उद्घाटन भी मंडलायुक्त महोदय द्वारा किया गया था और वहां सिंबॉलिक रूप से 10 जो सबसे गरीब लोग थे उनको वाटर कंटेनर भी निःशुल्क प्रोवाइड किए गए थे जिससे लोग वो
उसके लिए जागरूक हों और उन्हें उसकी कमी का सामना ना करना पड़े। और लोगों द्वारा बताया गया, बाद में भी मैंने अपनी टीम को भेज के पता कराया था, तो लोग उस उपक्रम से बड़े खुश हैं और लोगों द्वारा उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।